हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं वेज शेजवान नूडल्स, जिसे बड़े और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो आइए बनाना शुरू करते हैं शेजवान नूडल्स, जिसके लिए हमने ये दो प्याज ऐसे लंबे से कट करके लिए हैं। सभी सब्जियां वैसे ही कट करके ली हमने। एक कप हमने कैबेज लिया है, हाफ कप हमने गाजर लिया है, हाफ कप हमने शिमला मिर्च लिए है। मसाले में हमने लिया है ये 2 टेबलस्पून हमने जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, 1/2 टीस्पून हमने नमक लिया है। नमक इसमें कम लगता है क्योंकि सभी सॉसेस में नमक होता है। ये 1 टेबलस्पून हमने टोमेटो सॉस लिया है, 1 टीस्पून हमने ग्रीन चिली सॉस लिया है, 1 टीस्पून हम रेड चिली सॉस लेंगे, 1 टेबलस्पून हम सोया सॉस लेंगे, 2 टेबलस्पून हम शेजवान चटनी लेंगे। ये विनीगर हम 1 टीस्पून लेंगे और अजीनोमोटो हम डालेंगे, क्योंकि हम रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने जा रहे हैं तो अजीनोमोटो हम 1/2 टीस्पून डालेंगे। इसके लिए मैंने ये नूडल्स लिए हैं, इससे नूडल्स बहुत अच्छे बनते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं शेजवान नूडल्स। गैस ऑन करके हमने पानी पहले ही बॉईल होने के लिए रखा था, पानी हमारा उबल चुका है। अभी इसमें हम 1 टीस्पून नमक डालते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं नमक को। ये मैंने इस टाइप का एक पूरा केक और ये एक हाफ केक मैंने लिया है, तो ये हम इसमें डाल लेते हैं। गैस का फ्लेम बड़ा ही रखा है हमने, 2-3 मिनट हम इसे बॉईल करके लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने सभी नूडल्स को ऐसे फोक से अलग अलग कर लिया है। नूडल्स को ज़्यादा पकाना नहीं है, उसे 80% ही हमें कुक करना है। तो ऐसे देख लेंगे, हाथ से ये टूट रहा है, इसका मतलब ये 70-80% बॉइल हो चुका है। तो अभी गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और इसे ड्रेन कर लेते हैं। ये नूडल्स अभी हम ड्रेन आउट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अभी इसमें का पानी हम थोड़ा निकाल लेते हैं। इसमें हम 2-3 चम्मच अभी ऑयल डालेंगे और इसे साइड में रख देंगे। बड़े साइज के प्लेट में इसको डाल के रखती हूँ, अलग अलग करके ऐसा, इससे वो ठंडा भी अच्छा हो जाता है, चिपकेगा भी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ऐसे बड़े साइज की कढ़ाई हमने रख ली है, इसमें 2-3 टेबलस्पून हमने ऑयल डाला है। अभी हम प्याज डालते हैं इसमें। प्याज को हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ में हम इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल लेंगे। ये मैंने क्रश करके लिया है जिंजर गार्लिक को। अभी हम इसमें गाजर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे और कैबेज मैं इसमें से हाफ लेती हूँ, हाफ मैं बाद में ऐड करने वाली हूँ। सभी सब्जियों को हम इसे 2-3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। सब्जियाँ 2-3 मिनट फ्राई हो चुकी है, अभी हम ये नूडल्स इसमें ऐड करेंगे।
अभी सभी सॉसेस हम इसमें ऐड करें। ये 1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस, सोया सॉस हम 2 चम्मच लेंगे, टोमेटो का सॉस हमने 1 टेबलस्पून लिया है और शेजवान चटनी हम 2 टेबलस्पून। इसके साथ में ही हम ये ब्लैक पेपर पाउडर लेंगे 1/4 टीस्पून और नमक लेंगे 1/2 टीस्पून। सभी चीज़ों को हमें नूडल्स के साथ और सब्जियों के साथ मिक्स करना है। इसमें 1/4 टीस्पून हम अजीनोमोटो डालेंगे। इसमें हरा प्याज भी डाला जाता है पर मेरे पास आज हरा प्याज अवेलेबल नहीं है लॉकडाउन की वजह से, इसलिए मैं नहीं डाल पा रही हूँ। पर हरा प्याज आप डालिए, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये जो बचे हुए कैबेज है वो हम इसमें ऊपर से डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारे नूडल्स का कलर कितना अच्छा आया है। आपको इससे डार्क कलर चाहिए तो आप थोड़ा शेजवान सॉस डाल सकते हैं। आपको चाहिए तो आप ऐसे भी हिला सकते हैं इसे, इससे भी सब जगह पे अच्छे से नूडल्स और मसाला लग जाता है। ये देखिए, ये हमारे नूडल्स बनके तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही अच्छे बने हैं, आप इस टाइप से ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। गैस की फ्लेम हम ऑफ कर लेते हैं और सर्विंग डिश में से निकाल। ये मेरी वेज शेजवान नूडल्स की रेसिपी बनके तैयार हो चुकी है। ये बहुत ही अच्छी बनी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए, उससे मेरे वीडियोज़ आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। आप इसे ट्राई करिए और आपके कॉमेंट्स मुझे लिख भेजिए कि आपको मेरी रेसिपी कैसे लगी। तो फिर मिलते हैं किसी और नए और टेस्टी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।